Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. Hello students, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। हालांकि बच्चे इसे बहुत डिफिकल्ट पाते हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और इस वीडियो को अगर आप दो तीन बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच हमारी तरह दो पार्ट में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल और सलाइवरी ग्लैंड। जैसे ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक रेंज करता है, वैसे ही कॉकरोच में भी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक रेंज करेगा। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कॉकरोच का, वो 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसका डायमीटर चेंज होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। जो तीन पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के होंगे कॉकरोच में, उसे हम कहते हैं सबसे पहले फोर गट, दूसरा पार्ट आएगा मिड गट, तीसरा पार्ट है हाइंड गट। फोर गट का दूसरा एक नाम है, फोर गट इज ऑल्सो नोन एज, हम उसे कहते हैं स्टोमोडियम। स्टोमो मतलब होता है माउथ, सो माउथ पार्ट इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। मिड गट को कहते हैं मिसेंटेरॉन और हाइंड गट को आप कह दोगे प्रोक्टोडियम। तो जो प्रोक्टो पार्ट है, मतलब वो एंड पार्ट में आ जाता है। कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड हैं फोर गट में? तो हम कह सकते हैं कि फोरगट जो कॉकरोच को होगा, इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फिर है फेरिंग्स, फिर है ईसोफेगस, फिर है क्रॉप, गिजार्ड। ये सारे पार्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे किसमें? फोरगट में। और जैसे ही आप बात करोगे मिडगट की, तो मिडगट में होगा स्टमक और आप कहोगे हेपेटिक सिका। कॉकरोच के पास लीवर तो नहीं होता, पर लीवर की तरह काम करने के लिए हेपेटिक सिका होता है। और हाइंडगट में तीन पार्ट है, इलियम, कोलॉन, रेक्टम, और लास्ट में आ जाएगा एनस, जहाँ से फीकल मैटर बाहर निकलेगा। बट सलाइवरी ग्लैंड की अगर आप बात करोगे, तो ये क्रॉप के दाएं बाएं साइड पे होते हैं और दो पैर में प्रेजेंट हैं। सलाइवरी ग्लैंड का काम सिर्फ इतना ही है कि वो फूड के साथ मिक्स होकर के उसको सॉफ्ट बनाएगा और स्लिपरी बनाएगा। जब आप कॉकरोच का डायग्राम ड्रॉ करते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ड्रॉ करना, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप एक स्पिंडल शेप की ऐसी बॉडी बना लीजिए और एक पेंसिल से रफ आउटलाइन ले लीजिए कॉकरोच का। ये ट्यूब आप बाहर निकाल रहे हो तो इसे आप कह दोगे फेरिंग्स, सैक जैसा बना लो क्रॉप, थोड़ा सा मिसेंटेरॉन और फाइनली इलियम, कोलॉन और रेक्टम। एकदम आसान से आप इसको बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब आप कॉकरोच पेंसिल से आउटलाइन ऐसे ले लें तो थोड़ा सा कलरफुल, बेटर इफेक्ट के लिए। और कॉकरोच की सबसे अच्छी बात क्या है, इनके बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, तो सेगमेंट्स के लिए आप लाइन थोड़ी सी अलग बनाइए और फाइनली आप आराम से ड्रॉ कर पाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ये जो हिस्सा हम बना रहे हैं, ये टेंटेकल्स हो गए, इसके एंटीना, फिर माउथ है, ये छोटा सा पार्ट जो आया उसे आप कह सकते हो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जो लीड करेगा वो है ईसोफेगस, और फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो क्रॉप, उसके नीचे छोटा सा गोल सा गिजार्ड, फिर है मिसेंटेरॉन, इलियम, कोलॉन एंड फाइनली रेक्टम। और रेक्टम के नीचे क्या होगा? एनस, जिससे फीकल मैटर बाहर निकलेगा। यह है हेपेटिक सिका। और सबसे मज़ेदार बात आपको याद रखनी होगी, ये सिर्फ 8 ही होते हैं, 8 इन नंबर्स। तो ये जो पार्ट मैं लेबल कर रहा हूँ, ये फेरिंग्स हो गया, ये ईसोफेगस, एंड फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जंक्शंस पे ये 100 से 120 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको आप मालफीजन ट्यूब्यूल कहोगे, जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम कॉकरोच का। अब आगे बढ़ते हुए लेबलिंग करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं माउथ। कॉकरोच का जो माउथ है, उसका एंटीरियर, पोस्टीरियर सारे पार्ट्स होंगे। तो जो अपर लिप होता है, ऊपर का जो लिप्स होता है कॉकरोच का, उसे आप कहते हो लेब्रम। नीचे का जो लिप होता है कॉकरोच का, उसे आप कहते हो लेबियम। और जो एक्चुअल खाने को काटेगा, उस दांत को आप कहते हो मैंडिबल। और फाइनली जो कैविटी होगी, एक्सेसरी जॉ भी इसे कहते हैं हम, इसका नाम है मैक्सिला। और कॉकरोच के पास ज़ुबान होती है, ज़ुबान को आप कहोगे हाइपोफेरिंग्स। जस्ट उसी के नीचे क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बारे में अगर किसी ने पूछा तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये डायलेटेड, शॉर्ट,
नैरो ट्यूब है। और सबसे बड़ी बात, फेरिंग्स के पास क्या है, टेस्ट सेंसिले, टेस्ट बर्ड्स। ये खाने को टेस्ट करने का काम जो होता है वो फेरिंग्स की मदद से करता है। एंटीना की मदद से खाने को कॉकरोच सूंघता है, पर टेस्ट करने का काम जो है फेरिंग्स का है। तो उसे कह सकते हो उसके पास है सेंसरी पैपिले। और उसी फेरिंग्स के नीचे क्या है, ईसोफेगस। कोई पूछा ईसोफेगस क्या है, तब आप उसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ईसोफेगस जो है, इट्स अ शॉर्ट ट्यूब जो नेक से पास होगा और ओपन होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रॉप। मतलब ईसोफेगस पासेस थ्रू द नेक एंड इट ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दे दिया क्रॉप। अब क्रॉप क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह कि क्रॉप एक स्टमक की तरह काम कर रहा है जो टेम्पररी फूड को स्टोर करता है। सो लॉजिकली जब आपसे कोई पूछे क्रॉप, तो इसका शेप अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ पियर शेप का है। तो हम कह सकते हैं बड़ा है, हाईली डिस्टेंसिबल, मतलब स्ट्रेच हो सकता है, कॉकरोच जितना भी खाना चाहे इस क्रॉप के अंदर स्टोर कर सकता है। दूसरी बात, ये पियर शेप का होगा और जो क्रॉप है वो 4 to 5 सेगमेंट पे एक्सटेंड करेगा। फंक्शन क्या है क्रॉप का, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। और फाइनली जो सेगमेंट है वो है 4 to 5 सेगमेंट कॉकरोच का। और आपको पता होना चाहिए कॉकरोच के अंदर सिर्फ 10 सेगमेंट्स होते हैं। क्रॉप के जस्ट नीचे क्या है, गिजार्ड। गिजार्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं प्रो वेंट्रिक्यूलस, मतलब वेंट्रिक्यूलस के पहले वाले हिस्से को गिजार्ड कहा जाता है। क्रॉप में जो भी खाना स्टोर्ड होगा ना बच्चों, वो धीरे धीरे इस गिजार्ड से पास होता है। और इस गिजार्ड में ऐसा है क्या, तो हम कह सकते हैं सर्कल में 6 चिटिनस टीथ होते हैं। और ये चिटिनस टीथ जो होते हैं क्या करते हैं, खाने को ग्राइंड करते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं। और उसी टीथ के नीचे फिल्टर होता है जो छन्नी की तरह काम करता है। मतलब ये 6 चिटिनस टीथ खाने को उस वक्त तक काटेगा जब तक कि उसका साइज इतना छोटा ना हो जाए कि उस फिल्टर से वो आर पार निकल पाए। और सबसे बड़ी बात, गिजार्ड जो है मार्क करता है एंड ऑफ फोरगट को। उसी के नीचे आप आ जाओ तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, गिजार्ड के बाद जो कंटिन्यू होता है वो हेपेटिक सिका। तो गिजार्ड का फंक्शन क्या है, तो आप कह सकते हो ग्राइंडिंग ऑफ फूड और स्ट्रेनिंग अपैरेटस। स्ट्रेनिंग मतलब छन्नी की तरह काम करने वाला। एंड फाइनली हम बात करेंगे हेपेटिक सिका के बारे में। हेपेटिक सिका जो है ये भी ब्लाइंड ट्यूब्यूल है, मतलब एक तरफ खुला और एक तरफ बंद। और अगर ध्यान से आप काउंट करेंगे तो मैंने डायग्राम में भी 8 बनाया है, तो हम कह सकते हैं हेपेटिक सिका जो होता है वो थिन ट्रांसपेरेंट ब्लाइंड ट्यूब्यूल है, 8 इन नंबर है। और वो कैसे अरेंज्ड है, ये अरेंज्ड है रोजेटी फैशन में। रोजेटी मतलब फ्लावरी अपियरेंस लाइक स्ट्रक्चर। और ये इस तरीके से सर्कुलेट में अपीयर करेगा जैसे लगेगा कोई फ्लावर है। तो हेपेटिक सिका का काम क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, और वही डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात, हेपेटिक सिका का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम हेपेटिक सिका के बाद दूसरा जो ऑर्गन आएगा उसे आप मिसेंटेरॉन कह सकते हो, लॉजिकली मैं उसे स्टमक भी कह सकता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मिडगट, क्योंकि मिडगट जिसे आपने मिसेंटेरॉन कहा उसमें 2 पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट वो है हेपेटिक सिका, और जो दूसरा पार्ट आएगा वो होगा मिसेंटेरॉन। तो यहाँ पर ये जो हमने किया इसे नाम दे देता हूँ मैं स्टमक, और स्टमक जो है बेसिकली एक मिसेंटेरॉन की तरह रोल कर रहा है। हाइंडगट की बात करोगे तो एक बात याद रखिएगा, फोरगट और मिडगट के इंटरवल पे एक मालफीजन ट्यूब्यूल्स होते हैं, और मालफीजन ट्यूब्यूल का हालांकि रोल कुछ डाइजेशन में नहीं है, ये थिन ट्यूब्यूल होते हैं, येलो कलर के होते हैं, 100 to 120 नंबर्स में पाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये येलो कलर के होते हैं, बट दे आर ब्लाइंड ट्यूब्यूल। ब्लाइंड मतलब क्या, एक साइड से खुला और एक साइड से बंद, 100 to 120 इन नंबर। और सबसे बड़ी बात, मालफीजन ट्यूब्यूल का रोल एक्सक्रीशन में है, ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट सिस्टम के बीच में आ रहा है तो इसलिए हम उसे पढ़ रहे हैं। इट हैज़ नो रोल इन डाइजेशन। अब हाइंडगट की बात करें
तो हाइंडगट में सबसे पहला पार्ट आएगा इलियम। इलियम जो है एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन है आप कह सकते हो। तो इलियम क्या है? शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब। ये क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आफ्टर डाइजेशन। कोलोन की बात अगर करोगे आप, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसे हम कहते हैं कॉइल्ड और वाइडर ट्यूब। और इसका फंक्शन क्या होगा? वो एब्जॉर्ब मोर वाटर, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। लास्ट में आएगा रेक्टम। रेक्टम का काम क्या है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द फीकल मैटर। ये लास्ट पार्ट है रेक्टम, और हाइंडगट का एंड होता है रेक्टम से, और यही रेक्टम जाकर के ओपन करेगा एनस में, एंड फाइनली एनस से फीकल मैटर बॉडी से बाहर निकलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इतना भी तो डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, और आप आसानी से लिख सकते हो सबके बारे में। अब थोड़ा सा एक अलग पैटर्न में देखते हैं। जो मैंने गिजार्ड कहा, उस गिजार्ड का TS एक में बनाता हूँ, जिसे आपको समझ में आए कि गिजार्ड काम कैसे करता है। आपने जैसे ही उसको सर्कल कट किया, TS लिया, तो ये आपको क्या मिलेगा? 6 किटिनस टीथ, ऐसे 6 दांत है सिरेट मार्जिन के साथ, जो खाने को क्या करता है? काटने में हेल्प करता है, और ये 6 के 6 नंबर में होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब तक फूड का पार्टिकल एकदम छोटा नहीं हो जाता, तब तक वो नीचे के फिल्टर से निकल भी नहीं पाता। तो गिजार्ड सर्कलेट्स ऑफ 6 किटिनस टीथ, और नीचे क्या होगा? फिल्टर्स, और यही फिल्टर को मैं कह सकता हूँ स्ट्रेनिंग अपैरेटस। अगर दोस्तों आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पसंद आया होगा, कॉकरोच का समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और ढेर सारे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मैं सुनील सर सेइंग गुड बाय टू यू। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।